हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में शेडर्स लगा सकते हैं, यानी कि अपने माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं। अभी के ग्राफिक्स तो आपको पता ही होगा कैसे हैं, और शेडर्स लगाने के बाद गाइस वो और भी नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। तो आज मैं वही सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट में शेडर्स लगा सकते हैं। तो चलिए, सो शेडर्स लगाने के लिए हमको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें ईजिली प्ले स्टोर से मिल जाता है, और उस ऐप का नाम है एडवांस ऐप। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। पहले से सर्च हो गया है AWDONS, नाम है इसका एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट। सर्च करते ऊपर ही ऊपर आ जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर इसको हमें ओपन यहाँ से कर लेना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मुझे ओपन करना है, लेकिन आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो उसके बाद ये ऐप स्टार्ट होगा, फिर मैं बता देता हूँ आपको कैसे शेडर्स लगाने हैं। सो देख सकते हैं अभी ऐप की थोड़ी सी लोडिंग होगी, तब तक हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओके सो गाइस, देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अब ऐप ढंग से चल रहा है। पहले थोड़ी मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए नहीं चल पा रहा था, वरना आपकी ये ऐप एकदम सही से चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, नीचे गाइस वहीं पे हमें क्लिक करना है, और फिर वहाँ पे हमें शेडर सर्च करना है, SHADER शेडर हमें यहाँ पे लिख टाइप करके सर्च कर लेना है। ओके सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शेडर्स हैं, लेकिन ये सब शेडर्स एकदम फालतू है। मैं आपको एक बढ़िया वाला शेडर बताऊंगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पे नीचे चले जाना है। जो मैं आपको शेडर बताने वाला हूँ उसका नाम है गाइस क्लासिक शेडर। वो सबसे बढ़िया लगता है मेरे को तो गाइस, बाकी आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम बढ़िया वाला गाइस शेडर बताऊंगा अभी। सो देख सकते हैं गाइस, ये है शेडर, क्लासिक शेडर। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको ये क्लासिक शेडर यहाँ पे मिल जाता है। अपन को क्या करना है, बस अपन को इसको ओपन कर लेना है। पहले मेरा तो ये डाउनलोड है इसलिए आपको डाउनलोड करने की तो ज़रूरत है, इसलिए मेरे को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो हम इसको ओपन कर लेने हैं अभी माइनक्राफ्ट में। ओके सो गाइस, देख सकते हैं हमारा माइनक्राफ्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। हमें बस कुछ नहीं करना है, माइनक्राफ्ट के खुलने का वेट करना है, थोड़ा सी टाइम लगता है। माइनक्राफ्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ऊपर हमारे पास आ चुका है सक्सेसफुली इम्पोर्टेड क्लासिक शेडर। फिर हमें कुछ नहीं करना है, माइनक्राफ्ट को ओपन पेज में हमें नीचे सेटिंग में जाना है, यहाँ ही सही। और हमें यहाँ से नीचे ग्लोबल रिसोर्स में चले जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमको यहाँ पे ग्लोबल रिसोर्स मिल जाता है, उसमें हमको यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेना है सिंपली, बस इतना सीख। बस यहाँ से आके एक्टिवेट हो गया गाइस, बस इतना सी काम करना था। अब हमारे सारे वर्ल्ड में गाइस शेडर्स लग जाएंगे। तो चलिए एक वर्ल्ड में आपको चला के दिखाता हूँ क्या शेडर है ये गाइस। ओके सो गाइस, फर्स्ट वाला हम वर्ल्ड यहाँ पे चूज करते हैं हमारे चैनल का नाम का। वो गाइस देख सकते हैं हमारा वर्ल्ड यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुका है। ओ भाई साहब, आप इसके शेडर्स देखो गाइस, क्या तो मस्त लुक आ रही है गाइस इनके शेडर्स की। वाओ गाइस, इतना मस्त है गाइस, देख सकते हैं आप वाटर की लुक कितनी अच्छी हो चुकी है। बस ऐसे शेडर्स तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे भाई साहब, इतनी अच्छी लुक शेडर्स की। वाओ गाइस, भाई दिल खुश हो गया ये शेडर्स देख के। सो गाइस, आपको भी ये शेडर्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और जरूर से अपने माइनक्राफ्ट में इन शेडर्स को लगाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बताना वीडियो कैसे अच्छी लगी, और हाँ शेयर तो जरूर से कर देना है। बाय गाइस।